मथुरा के थाना मगुर्रा क्षेत्र में सोमवार को चक्रोड़ की जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमले में दो महिला सिपाहियों समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जीप के शीशे टूट गए। पुलिस ने लाठी फटकारते हुए पथराव कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा। दरअसल थाना मगुर्रा क्षेत्र के गांव छपरा में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन की चक्रोड़ पर कब्जा कर रखा था। सोमवार को राजस्व की टीम के साथ आरआई कोसी धर्म सिंह और दो लेखपाल गांव छपरा पहुंचे। यहां चक्रोड़ की पैमाइश कर रही टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव होते देख राजस्व की टीम तो भाग खड़ी हुई। ग्रामीणों ने पथराव करते हुए पुलिस की जीप को निशाना बनाया, जिसमें पुलिस की जीप का शीशा टूट गया। पथराव में महिला सिपाही मोनी प्रियंका के अलावा सिपाही अवधेश और बेजम सिंह घायल हो गए। इस बीच अन्य थानों के फोर्स को बुलाकर पथराव कर रहे ग्रामीणों को लाठी फटकारते हुए खदेड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत 11 ग्रामीणों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार कोसी खुर्द के कानून को धर्म सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चक्रोड़ की पैमाइश को गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया तो टीम ने चरी के खेत में छुपकर अपनी जान बचाई। जब पुलिस ने लाठी फटकार कर ग्रामीणों को खदेड़ा, तब कहीं जाकर राजस्व टीम चरी के खेत से बाहर निकल कर आई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर जबरन जगह खाली कराने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से पहले ग्रामीणों को जगह खाली कराने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसी को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। क्या नाम आपका? गंगा प्रसाद, ग्राम पंचायत रसूलपुर प्रधान। जी, कहिए आपके जो ग्राम पंचायत में के मजरा में जो छपरा गांव में जो तांडव जो हुआ है आक्रमण को लेकर, अतिक्रमण को लेकर क्या घटना हुई थी? इसकी सूचना कोई हमारे पास नहीं थी और न कोई पटवारी आया, न किसी पुलिस ने दी। वहाँ प्रशासन और कानून वगैरह पटवारी और पुलिस झपरा में गई। इन्होंने आक्रमण को जेसीबी से हटाने का काम शुरू किया है और हमारे कोई सूचना नहीं। हम बाद में पहुँचे, जब तक वहाँ आग भी लगी मिली और ये लोग सब वहाँ इकट्ठे थे और पुलिस वाले ने सब जिनके प्लॉट हैं वे सब बुलवाए हुआ और झट भाई तुमको प्लॉट दिया जाएगा। अच्छा, कुछ पथराव की सूचना मिल रही है? पथराव को लेकर बात करें तो क्या पथराव हुआ था? पथराव वहाँ सुना है हमने, जब गामवासी शादी में लगे हुए लेडीजों ने किया है। पुलिस और लेडीजों में हुआ है? हाँ। तो इसको लेकर बात करें, किसी लेडीज को ग्रामीण को कोई चोट वगैरह आई? अब ये तो झपरा के बताएंगे चोट वोट आई है कि नहीं आई है, हमें जानकारी नहीं है। मोतीराम, मुझे अभी आपके गांव में कल छपरा में घटना हुई है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? पत्रा वगैरह कोई बात बता दीजिए। वो जी यहाँ से जो पुलिस और जो पटवारी वगैरह ये गए थे वहाँ पे, इन्हें जाते जेसीबी चलाई सांतरोवासियों ने और वो आग वाग लगाई तो इन्हें सब गांव वालों ने मना किया। इन पर लाठीचार्ज करी गई। लाठीचार्ज करने के बाद में और इनमें बैयरबानी थी, हम लोग तो सब शादी में लगे पड़े थे। बैयरबानी ने हमला कर दिया। हमला करने के बावजूद में ये सब शांत होगी, दूसरी पुलिस गई वहाँ पे, उनने बुला के तुम्हारे लिए कब्जा दिया जाएगा और तुम कौन कौन के प्लॉट हैं वो अपना नाम लिखाओ। नाम लिखाने आए उनको तुरंत पुलिस लेके चली गई, गुमराह करके ले गई। कितने लोगों को पुलिस पकड़ रखा है? 15 लोगों को। ये ग्राम झबरा का मैटर है और कल राजस्व टीम पुलिस कर्मियों के साथ जब वहाँ पर गई थी और ये जानकारी थी कि ग्राम सभा के ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, तो वहाँ पर कुछ महिलाओं द्वारा जो गोबर के कंडे होते हैं इत्यादि में आग लगाया और राजस्व टीम और पुलिस टीम के साथ अभद्रता की गई। इसकी जानकारी होते ही SPRA भी वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। सुसंगत धाराओं के अंदर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस घटना के अंदर दो चीज़ें हैं, जो धाराएं हैं उसमें बलवा सरकारी काम में बाधा, लोक संपत्ति जो क्षति अधिनियम है वो 7 CLA एक्ट जैसी धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत करके टोटल 14 लोग जिसमें 11 पुरुष और 3 महिलाओं को बरामद गिरफ्तार किया गया। दूसरी चीज़, जिस कार्य के लिए राजस्व कर्मियों के साथ पुलिस टीम वहाँ पर गई थी, जो सार्वजनिक स्थान से कब्जा हटाना था वो कब्जा भी हटा के उस कार्य को भी सुनिश्चित कर दिया गया। सतर्क दृष्टि निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था
नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।